अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग मौजूद हैं चावलों के दरमियान। ये इर्द गिर्द आप लोगों को चावल नज़र आ रहे हैं, तो ये इनके कटाई किस तरह होती है और ये पूरा काश्तकारी का अमल इसका किस तरह है, तो ये आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिए। शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप लोग बाखबर रहें। तो ये सामने जनरल वो मशीन लगा हुआ है, इसकी कटाई कर रहे हैं। इसका पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहे हैं कि किस तरह ये अमल कर रहा है, तो हमारे साथ रहिए। ड्राइवर साहब से जो है, क्या नाम है आपका? यहिया साहब से के साथ जो है बैठ गया ऊपर, और अभी देखते हैं कि आगे जो है किस तरह कटाई कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। ये वो मशीन है जो इसकी कटाई करते हैं, और इससे जो चावल है वो इसमें तकरीबन अंदर कितना चावल आता है? तकरीबन 12 से 15 मन आ जाता है। अच्छा, 12 से 15 मन तक इसके अंदर जो चावल आता है। ये जब फुल हो जाते हैं तो फिर ये खाली करते हैं, जिन नज़र आ रहे हैं वहाँ फिर ये खाली करते हैं।
इसको ऐसे खाली कर देते हैं, देखिए कि बिल्कुल आप एक दाना भी नहीं छोड़ता। कमाल है इस मशीन की, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इनको जो है ना, इससे ये बीज जो है ना निकाला जाता है, चावल निकाल दिए जाते हैं। और अच्छे तरीके से जो है ना, देखो कितने जल्दी इसने कितना ज़्यादा जगह जो है ना कवर कर दिया। अब ये पूरे खेत में इर्द गिर्द घूमेगा और फिर ये ट्रैक्टर यहाँ से इनके चावल लेके जाते हैं और जो घास फूस है फलाल है ये यहाँ पर ही रह जाता है। इसका फिर एक दूसरे तरीके से भी थ्रेशर हो जाता है, जो पिछले व्लॉग में आप लोगों को मैंने दिखाया था, तो दूसरे तरीके से भी इनका थ्रेशर होता है। अब ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि चावल कहाँ पर है। कपड़े गंदे हो गए, आप लोग दिखाते हैं कि चावल ये आ गए हमारे पास। अच्छा, इसका कैसे पता चलता है कि चावल ये फुल हो गया? ये वो लगा हुआ है। अच्छा, अलार्म लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ पर आपको फुल हो जाए तो अलार्म बज जाता है। सही सही सही। तो ये अभी इसमें तकरीबन 12 से 15 मंथ तक होंगे। तो ये अभी ट्रैक्टर आ रहा है और इसमें फिर डालेंगे, खाली करेंगे, फिर दोबारा ये जाएगा खेतों पर और ये सारा जो है ना अमल फिर से शुरू करेगा। तो उम्मीद है आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप लोग बाखबर रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।